हम लोग सहारा वाले भी और हम लोग अहले बैत वाले भी है कि नहीं। हम लोग और कौन, हम लोग सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के दर गुलाम हैं, दर गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह, दर गुलाम है उम्मुल मोमिनीन के हम लोग। तो सुनो आज से रिवायत है, आप फरमाती है, मैं अपनी बहनों को बता रहा हूँ कि देखो अगर तुम्हें कोई मुल्ला जी कुछ कहे तुम्हारे ऊपर फतवा लगा है तो तुम उसे सैयदा आयशा भी बता देते। अब तुम लोग सुनो मसला, सैयदा आयशा फरमाती है सलामुल्लाह अलैहा कि जब शौहर कामदार यानी हमारे रसूल का विसाल हुआ और आपकी मजार आप लोग अल्लाह ताला हमें आपको सबको नसीब फरमाए, आज हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह नसीब फरमाए तो हम उस सफेद रंग की फर्श पर बैठे हो, समझे वो सफेद रंग का फर्श जिसके सामने सुनहरा एक दरवाजा है और थोड़ी और ऊपर ऐसे नजर उठाओ तो एक रोशनी नहीं की गई उसके ऊपर, कोई स्पॉटलाइट नहीं डाली गई, मगर उसके बावजूद रोशन रोशनी से बेहतर उस पर आसमान से एक नूर टपक रहा, बरस रहा, छलक रहा, वो हरे रंग का गुंबद। अल्लाह करे हम इतनी सी तरह बैठी वहां पर जिद कर, हम सबको साथ में हम सब इसी तरह जो वहां पर भी जिद कर तो साथ सुभान अल्लाह। वो जो रोजा है जहां पे रसूल अल्लाह की बजार है वो मस्जिद नबवी नहीं है, मालूम है आपको मस्जिद नबवी में जोड़ दिया गया है उसे, वो असल में हुजरे आयशा है, समझे सैयदा आयशा का घर है। अरे एक मसला समझ लो, आम मोमिन इंतकाल कर जाए कहीं भी इंतकाल हो अस्पताल में घर में वाजिब है तो उसको उनके कब्रिस्तान में जाकर दफन करना, मगर नबी अगर इंतकाल फरमा जाए विसाल कर जाए तो जिस जगह इंतकाल कर रहे हैं उसी जगह पे उनको दफन करना है, ये अंबिया के लिए शरीयत का कानून है। तो सुभान अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल सैयदा आयशा के हुजरे में हुआ और वहीं पे तदफीन जो है वो अंजाम पजीर हुई। फिर क्या हुआ, सैयदा आयशा फरमाती है जब मेरे शौहर नामदार का विसाल हुआ तो मैं सरकार के रोजे पर उनके उनकी मदार पर मैं जाकर जो भी विर्द करना है जिक्र अस्कार है कुरान पाक की तिलावत जो भी है वो मैं वहां पर बैठ कर किया करती थी। फिर फरमाती है मेरे 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 पिता मेरे वालिद बुजुर्गवार वालिद बुजुर्गवार का मेरे विसाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का और उनको रसूलुल्लाह के पहलू में उनके बगल में जो है दफन किया गया। फरमाती है जब मेरे बाप भी वहां दफन हो गए तब भी मैं वहां जाती थी और अब अपने शोहर और अपने वालिद दोनों के रोजे में बैठकर मैं तिलावत करती थी जिक्र वास्ता करती थी। फिर जो मेन पॉइंट की बात है जो सैयदा आयशा फरमाती है वो फरमाती है फिर हजरत उमर का मिसाल हो गया उमर बिन खत्ताब। अब बाप का और शोहर का मामला अलग है और बाप और शोहर का मामला अलग है और यहां पर उमर बिन खत्ताब का मामला अलग है कि नहीं। फरमाती है उनको दफन कर दिया गया तो कहती है ये नहीं था कि मैं रुक गई जाने से, कहती है मैं जाती थी मगर हिजाब करता पर्दा करके जाएगा, पर्दे का इंतजाम करके अपने घर वालों को लेके जाओ खा जाते सुनते आयशा क्या है ये बोलो।